ओके सो हम लोग अशोकन रॉक एडिक्ट जो है, और इम्पोर्टेंट अशोकन रॉक एडिक्ट्स, जो मेजर एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. एंड इम्पोर्टेंट है बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी आए हुए हैं इससे. ठीक है, तो नाउ लेट अस सी. तो व्हाट वेयर दीज पिलर एडिक्ट्स एंड रॉक एडिक्ट्स? तो दीज वेयर पब्लिक प्रोक्लेमेशंस, मतलब पब्लिक को बताने के लिए. पहले के जमाने में ट्विटर, इंस्टाग्राम, रेडियो, ये सारी चीजें, टेलीविजन नहीं होती थी, तो कैसे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाता था? दैट हाउ द किंग वाज सो ग्रेट, इट वाज थ्रू इंस्क्रिप्शंस, इट वाज थ्रू पिलर्स, इट वाज थ्रू एडिक्ट्स. ओके, सो ये पब्लिक प्रोक्लेमेशन जो है, ये एम्परर अशोक जो है वो उनका जो एक तरीके से धम्मा था, ओके, उनका जो आइडियोलॉजी थी, उनके जो प्रोग्राम्स थे फॉर द पीपल, और ये सारी चीजें जो है इसके थ्रू पहुंचाई गई. ओके, ठीक है. और ये जो है पॉलिश्ड रॉक्स और सैंडस्टोन पिलर्स, ठीक है, क्या क्या? पॉलिश्ड रॉक्स और सैंडस्टोन पिलर जो है उस पे था, ठीक है. थ्रू आउट द वास्ट एम्पायर विच इज प्रेजेंट डे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश. तो ये आपको अफगानिस्तान में मिलेगा, पाकिस्तान में मिलेगा, इंडिया में तो मिलेगा ही, नेपाल में भी मिलेगा और बांग्लादेश में भी आपको देखने को मिलेगा. तो अगर मैं एग्जांपल दूं तो पाकिस्तान में क्या था? शहबाजगढ़ी होगा, मानसेड़ा, शहबाजगढ़ी. अफगानिस्तान में कांधार होगा, नेपाल में रुमिनदई होगा, लुम्बिनी. और इंडिया में तो खैर एग्जाम्पल्स है ही है आपके. कोई बांग्लादेश का एग्जाम्पल्स बता सकते हैं? एनीथिंग इन बांग्लादेश एज वेल? अशोकन पिलर्स जो है, कोई बांग्लादेश में मिला है आपको? एनीथिंग दैट यू हैव फाउंड? छोटे छोटे एडिक्ट्स मिले हैं, ओके, छोटे छोटे एडिक्ट्स जो है आपको वहां पर भी मिल रहे हैं. ऐसा कोई इम्पोर्टेंट एडिक्ट्स जो है या इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शंस, ओके, वो नहीं मिला. ठीक है, दैट्स व्हाट आई थिंक. ठीक है, ओके, यस, ऑल राइट. मस्तान, मस्तानगढ़ा, ठीक है, यस. अफगानिस्तान में कांधार है, ये करेक्ट है आपका. तो ये याद रखिएगा, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जहां जहां मौर्यन डायनेस्टी की पहुंच थी, ओके, जहां जहां पे आपका पहुंच थी मौर्यन मगधन डायनेस्टी की, वहां वहां तक गया था, ठीक है. ऑलराइट, मौर्यन मगधन डायनेस्टी जहां जहां तक गया था वहां वहां तक इनका था, ओके. एनीवेज, चलिए आगे चलते. सो टाइप्स क्या क्या थे उसमें? मेजर रॉक एडिक्ट्स, 14 एडिक्ट्स होते थे मेजर रॉक एडिक्ट्स. इसमें दी दे इसमें 14 रॉक एडिक्ट्स में ये अशोकास कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, हिज धम्मा प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पिलग्रिमेज रूट्स, इन सब के बारे में बताया गया था, जिसमें आपका लौरिया, नंदनगढ़, धौली, जौगाड़ा, कलसी है ना. माइनर रॉक एडिक्ट्स जो थे ये आपका, ये 2 से 3 एडिक्ट्स होते थे यहाँ पर, और ये ब्रीफली एम्फसाइज करते थे मोरल कंडक्ट को, धम्मा के आइडियल्स को. और ये जो है आपको सोपारा, यड़ागुड़ी, एरागुड़ी, सन्नति यहाँ पर आपको मिले थे, ठीक है. और सेपरेट एडिक्ट्स भी मिले थे विच फोकसेस ऑन वेरी स्पेसिफिक थीम्स लाइक एनिमल वेलफेयर और मेडिकल फैसिलिटी. तो अशोका जो है वो प्रमोट करता था वेजिटेरियनिज्म को, एंड ही यूज टू प्रमोट वेजिटेरियन बिहेवियर अमंग हिज पीपल, और उनको बोलता था कि आप भी वेजिटेरियन होइए. लेकिन अब देखिए, एक किंग था जो प्रमोट करता था वेजिटेरियनिज्म को, और एक किंग था जिसने बैन ही कर दिया. तो कौन था? बैन किसने किया था? वो हर्ष ने किया था, ओके. हर्ष, हर्षा ऑफ कन्नौज ने महायान बुद्धिज्म में कन्वर्ट होके, और अपने जो एक्सपैंस है, अपने जो एक्सपैंस है उसमें जो है क्या किया था, उसको बोल दिया था, ठीक है. ऑलराइट, लैंग्वेजेस जो है, ओके, लैंग्वेजेस की हम बात करते हैं तो प्रकृत विद ब्रह्मी स्क्रिप्ट, हाँ,
प्रकृत जो है विथ ब्रह्मी स्क्रिप्ट यूज किया गया था। अब प्रकृत क्यों यूज किया गया था? दिस वॉज दी लैंग्वेज ऑफ द पीपल, दिस वॉज वॉट, दिस वॉज दी लैंग्वेज ऑफ द पीपल। और कहीं कहीं पे ग्रीक और अरामेक स्क्रिप्ट भी यूज किया गया था। कहां पर? नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पे, जहां पर ग्रीक किंगडम्स आपके मौर्यन एरा से थे। ओके, मौर्यन एरा से थे, चंद्रगुप्त के समय से थे। ओके, तो वहां से जो है नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में इनको डाल दिया गया था। ठीक है, कंटेंट ऑफ द एडिक्ट के बारे में, तो रिलीजियस थिंग्स, तो यहां पर इन्होंने एक स्पेशलाइज्ड धम्मा महामताज, दीज वेयर द स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स जिनको इन्होंने रिक्रूट किया था। और उनका काम क्या था? उनका काम यही था कि अशोका के धम्मा के बारे में दूसरे लोगों को बताएं। ओके, सो दीज वेयर स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जैसे अभी है ना अपने पीआरओस होते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, उसी तरीके से इनका काम होता था कि अशोका के महानता का बखान करें। अशोका जो है, हाउ ग्रेट अशोका इज, दे शुड टेल द वर्ल्ड। ओके, मोरल, तो दे एम्फसाइज एथिकल कॉन्डक्ट, फैमिली वैल्यूज एंड सोसाइटल हार्मनी। ओके, जो एडिक्ट्स हैं वो क्या कहते हैं कि आपको जो है एथिकल कंडक्ट रखना चाहिए, फैमिली वैल्यूज को प्रिजर्व करना चाहिए और सोसाइटल हार्मनी को प्रमोट करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव में हमें मौर्यन गवर्नेंस के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट, ये जो है मौर्यन गवर्नेंस के अंदर इंसाइट देता है किस तरीके से उस समय मौर्यन डायनेस्टी जो है वो गवर्न करते थे। ओके, इंक्लूडिंग डिगिंग वेल्स एंड प्लांटिंग ट्रीज। ठीक है, तो डिगिंग वेल्स में कुछ याद आ रहा है आपको? अगर आपको याद होगा तो उस समय हमें पता है सुदर्शन लेक के गिरिनगर या गिरनार में जो रुद्र दमन साहब थे, वन ऑफ द साका किंग्स, तो उनके उनसे हमें पता चलता है कि ये जो सुदर्शन लेक है कितना एंशियंट है और मल्टीपल टाइम्स ओवर द सेंचुरीज उसको बना के और जो है उसको रिपेयर करके लोगों के लिए रखा गया था। ठीक है, ऑल राइट right. ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या था, ये जो ये इनका जो एडिक्ट था ये किसने डिकोड किया था मॉडर्न डे में? हु वाज द पर्सन हु डिकोडेड? वाज जेम्स प्रिंसेप। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, वी हैड टॉक्ड अबाउट दैट देव हैड द ब्रह्मी स्क्रिप्ट, तो किसी ने ये नहीं पता लगाया बहुत दिनों तक कि ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट है। तो जेम्स प्रिंसेप जो था, हु वाज दी वाज ए सेक्रेटरी ऑफ व्हाट, ही वाज अ सेक्रेटरी ऑफ द कैलकटा मिंट एंड ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो वहां से जो है, देखिए हमेशा से ब्रिटिशर्स वेर अ क्यूरियस लॉट, और उसमें विलियम जोन्स हो गया आपका, जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स हिमसेल्फ। ओके, विलियम जोन्स हो गया, और कौन हो गया, विच हु वाज द पर्सन हु सपोर्टेड विलियम जोन्स, कैन यू टेल मी द नेम? जॉन जॉन मार्शल तो बहुत बाद में आया, जोनाथन डंकन इज देयर वन, बट आई वांट टू नो द नेम, वांट टू नो द नेम ऑफ द पर्सन। यस, चार्ल्स विल्किंस, याद है चार्ल्स विल्किंस के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ओके, सो ही ट्रांसलेटेड द भगवद गीता, फर्स्ट पर्सन टू डू सो। अशोकन पिलर्स, अशोकन पिलर्स जो है वो अशोका के एडिक्ट और धम्मा टीचिंग को बहुत दूर दूर तक स्प्रेड करते हैं, और ये क्रूशियल लोकेशंस एंड पिलग्रिमेज रूट्स पे रहते हैं, और ये मॉडर्न पावर एंड इम्पीरियल अथॉरिटी, तो इसमें जो है एनिमल्स का यूज किया जाता है बताने के लिए मॉडर्न पावर और इम्पीरियल अथॉरिटी को, एंड ऑल द एनिमल्स दे प्रेजेंट ए सर्टेन अथॉरिटी। ठीक है, मटेरियल जो है ये टिपिकली क्राफ्टेड फ्रॉम पॉलिश सैंडस्टोन, चुनार सैंडस्टोन जो है उसको प्रेफर किया गया था। ठीक है, किसको प्रेफर किया गया है? इसको प्रेफर किया गया है चुनार
सैंडस्टोन को, ठीक है। तब यहां पर देखिए एक चीज बताता हूं आपको, ड्यूरिंग द अर्ली अशोकन टाइम्स, अर्ली अशोकन टाइम्स में जो आपका पिलर्स और एडिक्ट्स है, देवर ऑफ वेरी रफ क्वालिटी, देर वेयर ऑफ वेरी वॉट, देवर ऑफ वेरी रफ क्वालिटी, बहुत ज्यादा पॉलिश नहीं है, ऐसा कहा जाता है। बीच में डमास्कस से, दैट इज इन सीरिया, डमास्कस से कुछ लोग आए थे हु वेर इंजीनियर्स एंड हु वेर क्राफ्ट्स पीपल, एंड दे टॉट दी मॉरियन, ओके, दे टॉट दी मॉरियन क्राफ्ट्स पीपल द वे टू मेक पॉलिश्ड सैंडस्टोन, ओके। तो अगर आप देखिएगा अर्ली अशोकन टाइम्स में रफ सैंडस्टोन्स है, और लेटर, यस लेटर जो अशोकन सैंडस्टोन्स है, दे वेर वेरी हाईली पॉलिश्ड, और ये जो है कहा जाता है डमास्कस से जो है इंजीनियर्स मंगाए गए थे, जो ये टेक्निक जो थी कैसे पॉलिश्ड और कैसे हाईली सोफिस्टिकेटेड रॉक एडिक्ट बनाया जाता है, तो वो उन्होंने इंडियंस को बता के चले गए थे। यस दे बिलोंग टू दी अखमेनिद एम्पायर, ओके, ठीक है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है अशोकन पिलर का, एक मोनोलिथिक शाफ्ट है, मतलब एक पिलर टाइप का है खड़ा जो है आपका, ओके, दिस लाइक अ पिलर, और मोनोलिथिक का मतलब होता है सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रक्चर है, 10 से 15 मीटर का है, बहुत ज्यादा ग्रैंड्योर, मतलब एक दिखाता है कि कितने महान और कितने ग्रैंड किंग थे वो दिखाता है, और परमानेंस दिखाता, क्या दिखाता है, परमानेंस, आज भी आफ्टर 2000 ईयर्स, 2200 ईयर्स जो है, आज भी अशोकन पिलर्स आर स्टैंडिंग, तो ये परमानेंस की निशानी है, और आने वाले समय में भी 500 साल, 1000 साल तक ये खड़ा रहेगा, अगर ऑब्वियसली उस पे कोई बाहर से कुछ होता नहीं, ठीक है। इवन इट हैज सीन लॉट्स ऑफ इन्वेजन्स, बट वो फिर भी खड़ा है, ओके, उसको कोई जो है गिरा नहीं पाया। यस, एंड द कैपिटल्स क्या होता है, कैपिटल का मतलब ये नहीं होता है जैसे कि आपका दिल्ली और टोक्यो और गैंगटॉक, वो नहीं कैपिटल, कैपिटल होता है लायन कैपिटल, ऊपर इस मोनोलिथिक शाफ्ट के आपको एक एनिमल देखने को मिलता है, ठीक है। लायन जो है वो क्या बताता है, सारनाथ पिलर पे आपको ये लायन कैपिटल मिलता है, तो ये पावर दिखाता है, सॉवरेंटी दिखाता है, लीडरशिप दिखाता है, और ये आपका नेशनल एम्बलम है, क्या है दोस्त, ये आपका नेशनल एम्बलम है, ओके, तो ये लायन दिखाता है, और ये कहाँ पर है, सारनाथ के पिलर पे आपको मिलेगा। एलिफेंट जो है वो क्या दिखाता है, फर्टिलिटी दिखाता है, किस चीज की फर्टिलिटी जो है, ये लैंड की दिखाता है कि हमारा गैंजेटिक प्लेन्स देखो कितना फर्टाइल है, एंड इट हैज मेड अस, एंड इट हैज मेड अस द मोस्ट पावरफुल किंगडम इन द एंटायर वर्ल्ड। प्रॉस्पेरिटी दिखाता है, नॉलेज दिखाता है, ओके, ऑलराइट, और ये लौरिया नंदनगढ़ पिलर जो है वहां पर है, लौरिया नंदनगढ़ इज इन बिहार, प्लीज रिमेम्बर दिस, ओके। बुल, और ये जो है रामपुरवा में है, एंड ये रामपुरवा पिलर में है, बुल स्ट्रेंथ दिखाता है, राइचियसनेस दिखाता है, धर्मा दिखाता है, बिल्कुल बुद्धिज्म से जो है इनका रेफरेंस लिया गया, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। लौरिया नंदनगढ़ पिलर जो है, इट वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड अशोकन पिलर, प्लीज रिमेम्बर दिस, ये पहला डिस्कवर्ड अशोकन पिलर था लौरिया नंदनगढ़, एंड इसमें मेजर रॉक एडिक्ट 1 to 12 इंस्क्राइब्ड है, एंड इट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट्स इनटू मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड धम्मा प्रिंसिपल। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, मैं एज अ एस्पिरेंट बता रहा हूँ, क्या मुझे दिक्कत आई थी इनिशियली समझने में कि रॉक एडिक्ट 1 to 12 क्या अलग अलग नहीं है, नहीं, यहाँ पर क्या है, रॉक एडिक्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट इसमें चीजें हैं, ठीक है। तो जैसे रॉक एडिक्ट 1 to 14 है, तो इसमें 14 आपको बेसिकली 14 मैसेजेस
डिफरेंट मैसेजेस कैरी हो रहे। तो मान लिया अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ मेजर रॉक एडिक्ट 1 to 12 है, तो 12 मैसेजेस आपको जो है इस पिलर के अराउंड मिल जाएंगे। अगर मैं 14 कह रहा हूं तो 14 के 14 देर आर टोटल 14, तो जिसमें से जो लास्ट वाला है आपका ये बताता है कि बाकी 13 का क्या काम है, व्हाई दोज 13 एग्जिस्ट्स, ओके, पर्पस क्या है उसका। तो ये चीज है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, ओके। ये लॉरिया नंदनगढ़ याद रखिएगा, पहले फर्स्ट अशोकन पिलर था विच वॉज डिस्कवर्ड, ओके। उसके बाद जो है हम किसकी बात करते हैं, इसमें जो है ये याद रखिएगा कि एडिक्ट 1 to 12 है, लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ, ये इंडिया का नेशनल एम्बलम बना, और उसके नीचे क्या लिखा रहता है फ्रेंड्स, लायन कैपिटल जो सारनाथ का है, आपने देखा होगा 3 लायन 4 लायन होता है, वैसे 3 इधर से दिखता है, सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडका उपनिषद से। गुड, मुंडका उपनिषद। और मुंडका उपनिषद जो है उस पे कमेंट्री किसी ने लिखी थी क्या, बहुत फेमस आदमी थे, उन्होंने क्या उपनिषद पे कमेंट्री लिखी थी या मुंडका उपनिषद वगैरह पे, कठो उपनिषद पे भी लिखी थी उन्होंने, नहीं आपने नहीं लिखी थी लेकिन किसी ने तो लिखी थी, किसने लिखा था, नाम उनका था आदि शंकराचार्य, कमेंट्री की थी उन्होंने, ठीक है, आदि शंकराचार्य ने कमेंट्री की थी, है ना, एंड दिस इज समथिंग दैट वी डिड इन आर लास्ट क्लास, याद आया आपको, लास्ट टू लास्ट क्लास में, जब इम्पोर्टेंट किसकी थी, ओके, इम्पोर्टेंट कमेंट्री जो थी वो आदि शंकराचार्य की थी उपनिषद्स पे, तो लास्ट टू लास्ट क्लास में आई हैड मेड अ रिमार्क, इसको बताया था, ऑल्दो लिखाया नहीं था मैं, चलिए तो लेकिन ये याद रखिएगा, ओके, सांची पिलर, सो दिस वॉज लोकेटेड नियर सांची स्तूपा, एंड इसमें जो है एथिकल लिविंग, एनिमल वेलफेयर, धम्मा प्रोपागेशन, ये सब जो है, ओके, ये देखा गया था। माइनर रॉक एडिक्ट 1 एंड 2, और ये वेरियस पिलर्स पे मिलता है, इसमें मोरल कंडक्ट वगैरह के बारे में बताया जाता है। अब बात करते हैं मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में, ओके, मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में, सो एडिक्ट 1, एनिमल सैक्रिफाइस प्रोहिबिशन स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन, देखिए इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं था, जो लोगों को खाना था वो खाने दिया जाता था, जो खाना था वो खाने दिया जाता था, बट एट द सेम टाइम बोला जाता था कि फेस्टिवल्स में तो ही आप परहेज करें। उसके बाद मेजर रॉक एडिक्ट 2 में मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, इवन द पांड्यास, द सत्यापुत्रास एंड द केरला पुत्रास, ये मेजर रॉक एडिक्ट 2 में मेंशन है, ठीक है। और यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे एनिमल्स के लिए कोई किताब लिखी गई थी क्या, एनिमल्स के वेटनरी साइंस के लिए एनी किताब दैट यू नो दैट हैज बीन रिटन, एनीथिंग, हस्ता आयुर्वेद, हस्ता आयुर्वेदा किसने लिखा था, हस्ता आयुर्वेदा जो है याद आएगा आपको, पलकप्पिया, हस्ता आयुर्वेदा ये एलिफेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए था, ओके, ये क्या था, एलिफेंट के ट्रीटमेंट के लिए पलकप्पिया जी ने लिखा था, ठीक है, ऑलराइट, ओके। मेजर रॉक एडिक्ट 3 में जेनरोसिटी टू ब्राह्मिन्स, इवन दो देखिए आप अगर बुद्धिस्ट में कन्वर्टेड था लेकिन ब्राह्मिन्स के तरफ जेनरस होना, अबाउट युक्तास, प्रादेशिकास एंड राजूकास, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस, युक्तास, प्रादेशिकास एंड राजूकास, ओके, एंड एवरी 5 ईयर्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ हिज एम्पायर, ये तीनों जाते थे, युक्तास जाते थे, प्रादेशिकास जाते थे और राजूकास जाते थे, ओके, एंड एवरी 5 ईयर्स दे विल गो टू डिफरेंट पार्ट ऑफ हिज एम्पायर टू स्प्रेड धम्मास, ऑफिशियल्स थे, ठीक है, दीज वेर ऑफिशियल्स, बहुत इंपॉर्टेंट। देन नाउ कमिंग टू दिस मेजर रॉक एडिक्ट 4, इसमें धम्मा घोष,
और भेरी घोषा, तो ये दो साउंड्स थे। तो इन्होंने क्या कहा कि धम्मा घोषा विच वॉज द साउंड ऑफ धम्मा शुड रीन सुप्रीम ओवर द भेरी घोषा। और भेरी घोषा क्या था, साउंड ऑफ वॉर था। किंग जो थे उसने क्या कहा कि अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करनी है आपको। ये किसमें कहा, रॉक एडिक्ट 4 में कहा। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्रादेशिकास, युक्तास और राजुकास कौन थे, भेरी घोषा क्या था, धर्मा घोषा क्या था, केरला पुत्रास एंड सत्या पुत्रास एंड पांड्यास कौन थे। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि एकदम याद रखना है कि कौन से रॉक एडिक्ट में लिखा गया है, तो आई विल से दैट ROI इज वेरी लेस। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि यूपीएससी नहीं पूछ सकती है, अभी तक तो नहीं पूछा है एग्जैक्टली विच रॉक एडिक्ट। चलिए ठीक है, पूछ सकती है, लेकिन क्या ये अभी के डेट में जब आपके पास 15-20 डेज है प्रिलिम्स को, क्या ये अच्छी चीज है दैट आप उसको एकदम याद करेंगे, इसमें इतना टाइम लगाएंगे। द आंसर इज नो। ओके, तो इसको जो है आप ROI के नाम पे छोड़ सकते हैं। फिर मेजर रॉक एडिक्ट 5 में यहाँ धम्मा महामत्रास उनके बारे में बात की गई थी, एंड इट टॉक्स अबाउट ट्रीटिंग द स्लेव्स राइट। तो ये क्वेश्चन आया था 2022 में अर्थशास्त्रा में, अर्थशास्त्रा से रिलेटेड याद होगा आपको। तो ये जो अर्थशास्त्रा किसने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था, और ये अशोका के ग्रैंडफादर जो है, और अशोका के फादर, अशोका के फादर बिंदुसार और अशोका के ग्रैंडफादर जो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य, उन पे था, है ना। तो ये अर्थशास्त्र में स्लेव्स के था, बहुत बेकार सा क्वेश्चन था, इसको छोड़ दिया कर। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो आप समझ जाइए कि एक बोलर ने, जैसे हमने डिस्कस किया था ना, बॉलिंग हो रही है, 6 बॉल है, सब हर बॉल पे छक्का नहीं मारना, आप कुछ बॉल्स छोड़ भी सकते हैं अगर बाकी के बॉल्स पे आप अच्छा खेल रहे हो, ठीक है। तो धम्मा महामत्रास जो है, धम्मा महामत्रास जो है आप जो है इसमें मेंशनड है, एंड दीज आर द स्पेशल ऑफिसर्स। ओके, ये कौन है फ्रेंड्स, ये आपके स्पेशल ऑफिसर्स हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो एक स्पेशल कैडर ऑफ ऑफिशियल जिसको धम्मा घोष वेयर अपॉइंटेड एंड दे वेर इंटरेस्टेड विद द ड्यूटी ऑफ स्प्रेडिंग धम्मा विद इन द किंगडम। ओके, उसके बाद एडिक्ट 6 में क्या था, किंग का डिजायर था टू नो अबाउट हिज पीपल्स कंडीशन। एडिक्ट 7 में टॉलरेंस टूवर्ड्स रिलीजन अमंग ऑल सेक्ट्स एंड वेलफेयर मेजर फॉर द पब्लिक। मेजर रॉक एडिक्ट 8 में, अशोकास फर्स्ट विजिट टू बोधगया। तो यहाँ एडिक्ट 8 में बताया गया था कि अशोका कैसे पहली बार बोधगया गया था, और वहां पर जो है बोधि ट्री, बोधि ट्री जो है उसने कैसे उसके उसके पास देखा था, और उसके बाद बोधी ट्री को और कहीं भेजा था क्या इसने, श्रीलंका भेजा था इसके ब्रांच को अपने पुत्र और पुत्री के हाथों, हाँ, महेंद्र और व्हाट वाज द सिस्टर्स नेम, संगमित्रा। ओके गुड, ठीक है। एंड इसका पहला धम्मा यात्रा कहाँ था, धम्मा यात्रा कहाँ किस तरफ था, बोध गया की तरफ था। अब बोध गया में क्या मिला था भगवान को, भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यस, निर्वाण इज द अल्टीमेट नॉलेज। ओके, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एंड गेव इम्पोर्टेंस टू धम्मा टूअर्स, मतलब पिलग्रिमेज करना चाहिए, ये बोल रहा है अशोक। इसके बाद और कहीं पिलग्रिमेज किया था क्या इसने, रुमिनदई पिलर याद होगा आपको, लुम्बिनी की तरफ गया था, तो वहां पर टैक्स फ्री डिक्लेयर किया था इसने। ओके, मेजर रॉक एडिक्ट 9, इट कंडेम्स पॉपुलर सेरेमनी एंड स्ट्रेसेस ऑन मोरल कंडक्ट। ओके, ये क्या है, कंडेम्स पॉपुलर सेरेमनीज एंड स्ट्रेसेस ऑन मोरल कंडक्ट। मेजर रॉक एडिक्ट 10, ओके ऑलराइट, डिसअप्रूव्स ऑफ द इंडिविजुअल्स डिजायर फॉर फेम एंड ग्लोरी एंड स्ट्रेसेस ऑन धम्मा। ओके, इन्होंने क्या कहा कि आप देखिए सबसे पहले तो पॉपुलर सेरेमनीज कम कीजिए, ऑलराइट, और आप जो है इंडिविजुअल फेम एंड ग्लोरी नहीं ले सकता है, सिर्फ मैं ले सकता हूँ, सिर्फ अशोक ले सकता है, बाकी जो है आप लोग इंडिविजुअल क्या कीजिएगा फेम एंड ग्लोरी का। उसके बाद मेजर रॉक एडिक्ट 11, इन्होंने क्या कहा कि धम्मा जो है वो बेस्ट पॉलिसी है, एंड दिस इंक्लूड्स रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड कंसर्न फॉर स्लेव्स एंड सर्वेंट।
मेजर रॉक एडिक्ट 12, तो ये महामतास के बारे में बताता है, हु वेर इन चार्ज ऑफ विमेन्स वेलफेयर, इथिजाका महामतास, ओके नाम है इनका, तो इथिजाका महामतास थे, दीज वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विमेन्स वेलफेयर। और इसमें क्या कहा गया कि टॉलरेंस आपको दिखाना चाहिए। मेजर रॉक एडिक्ट 13 में ये कलिंग के ऊपर जो विक्ट्री है वो दिखाता है। यहाँ पर एक और है, आपको याद होगा कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और ये किसका था, खारावेला का था, ठीक है, किंग खारावेला ऑफ कलिंग उसका था, ओके। और ये जो है मेजर रॉक एडिक्ट 13, इट मेंशंस अशोकास धम्मास विक्ट्री ओवर ग्रीक किंग एंटियोकस ऑफ सीरिया, टॉलमी ऑफ इजिप्ट, मागास ऑफ सिरीन, एंटीगोनस ऑफ मैसेडोन एंड अलेक्जेंडर ऑफ एपेरस। तो ये पांच किंग्स जो थे हु वर कंटेम्प्रेरी ऑफ अशोक, तो अशोक ने उन पे बोल दिया कि मैं मोरली सुपीरियर हूँ। जैसे आप अगर देखेंगे कि रील्स बनता है ना कि कैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बाकी प्राइम मिनिस्टर साहब से या प्रेसिडेंट से कितने सुपीरियर है, तो उसी तरीके से उस समय का रील है, आप समझ जाइए कि मेजर रॉक एडिक्ट 13 जो है उस समय का ये रील है, ओके। तो जो बनाया है ना, आरंभ है प्रचंड है, उस समय का ये आरंभ है प्रचंड रील है, कैसे ओके। सो ये पांड्यास चोलास के बारे में भी बताता है, तो इसके पहले भी अगर आपने देखा होगा यहाँ पर हमें मेजर रॉक एडिक्ट 2 में पांड्यास एंड सत्या पुत्राज एंड केरला पुत्राज है, अब यहाँ पर चोलास के बारे में भी मेंशन, ठीक है। द 13th रॉक एडिक्ट इशूड एट द एंड ऑफ द कलिंग वॉर गिव्स अ विविड पिक्चर ऑफ द चेंज ऑफ अशोक फ्रॉम एन अग्रेसिव एंड वायलेंट वॉरियर टू अ ग्रेट लवर एंड प्रीचर ऑफ पीस। कैसे इसका जो है मन बदला था बाई सीइंग द कलिंग वॉर। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कलिंग वॉर के बाद भी अशोक कंटिन्यू टू इन्वेड न्यू लैंड्स, ओके, और बहुत ज्यादा जो है मारकाट करता था, लेकिन फिर भी धम्मा की बात ये करने लगा, ओके, ठीक है। द डायरेक्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द कलिंग वॉर वॉज द कन्वर्जन ऑफ अशोक टू बुद्धिज्म। तो अशोक जो था ही, देखिए अशोक का बुद्धिज्म में कन्वर्जन हैड नथिंग टू डू विथ कलिंग वॉर, ऐसे बहुत बोला जाता है कि कलिंग वॉर में जो है कन्वर्ट हुआ था, लेकिन एक्चुअली में दिस वॉज ए कोर्ट डिसीजन। अशोका के कोर्ट में मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे वेयर आइदर आजीविकास, ओके, और दे बिलोंग टू, ओके, और दे बिलोंग टू अदर सेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर अशोक ने क्या किया कि ही कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म सो दैट ही कैन प्ले पॉलिटिक्स वेल, नहीं तो अगर आजीविकास में कर लेता तो ही वुड हैव बीन अगेंस्ट द जैन्स एंड द अदर ग्रुप्स। और यहाँ पर जो है बुद्धिज्म जो है उसने एक ऐसा रिलीजन को चुना जो बहुत ज्यादा लोग फॉलो नहीं करते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा लोग फॉलो नहीं करते थे, और इसके इसीलिए इसने बुद्धिज्म को चूज किया ताकि ये न्यूट्रल रह सके बिटवीन द कोर्ट स्ट्रगल दैट स्टार्टेड आफ्टर ही गेन्ड पावर बाई किलिंग हिज 99 ब्रदर्स, ओके। और ब्रदर्स जो है उसमें अगम कुआं करके है एक एरिया बिहार में, पटना में, वहां ऐसा कहा जाता है कि अगम कुआं में मार के फेंक दिया था इसने, ओके, 99 ब्रदर्स को। और उसके बाद आजीविकास जो है उनको भी अच्छा ट्रीटमेंट इसने दिया था। आजीविकास का क्या वो है, आजीविकास का क्या आइडियोलॉजी है, फेटलिज्म, जो होना है सो होगा, हम क्या करें, ना आप जो है मजे करो, है ना, आप जो है मजे करो। तो कौन थे इनके गुरु, मकाली पुत्ता, है ना, मकाली पुत्ता या महाकाली घोषाला, ठीक है। और इनके लिए कुछ अशोक ने वैसे बनवा दिया था क्या, इनके लिए कुछ अशोक ने बनवाया था क्या, बिल्कुल बनाया था, उसका नाम था बराबर केव्स, ओके, क्या नाम था इसका, बराबर केव्स था, ये गया के पास में खंडहर है, अभी आप जाइएगा तो वहां पर कुछ नहीं है, एकदम बीहड़ में, ओके, एक तरीके से बीहड़ में वहां पर आपको दिखेगा। और कोई केव्स है क्या, एनी केव्स दैट यू रिमेम्बर?
विच बिलोंग्स टू दिस सेक्ट एनीथिंग. सो नागार्जुना केव्स ही सेइंग कहाँ पर है, सुल्तानपुर में है. ओके okay. नागार्जुना केव्स जो है सुल्तानपुर बिहार में है. ऑलराइट और यहाँ पर जो है आपको ये किसने बनाया था, दशरथ मौर्य ने बनाया था, अशोक के ग्रैंड सन ने बनाया, करेक्ट. और ये जो है ऑलराइट ये जो है बराबर हिल्स पे ही प्रेजेंट है, ठीक है. ऑलराइट ठीक है, इतना अपने को पता चल गया. अब यहाँ देखिए ऊपर से अशोकन एडिक्ट्स कहाँ कहाँ पे है, तो कांदहार ये आपका अफगानिस्तान में है. ऑलराइट मानसेड़ा शहबाजगढ़ी, तो ये जो एरिया है फ्रेंड्स इसमें कौन से स्क्रिप्ट में लिखा गया होगा अशोकन एडिक्ट्स, खारोष्टी में. यस ओके. सो कभी ये सोचा है आपने कि जैसे साउथ इंडियन लैंग्वेज है वो ऐसे ऐसे कैसे है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे है ना, ट्विस्टेड टर्न्ड है ना, और जो नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस है या बाहर की लैंग्वेजेस वो सीधा सीधा कैसे है. ओके ऐसे जैसे मान लिया कि अ लिख रहे हो तो ये सीधा कैसे स लिख रहे हो, तो ऐसा क्यों है, बिकॉज साउथ इंडिया में पत्तों पे जो है पहले तो पेंस होता नहीं था, तो पत्तों पे जो है लिखा जाता था, तो जब पत्तों पे लिखा जाता तो वर्ड ट्विस्ट हो जाता, और ऊपर में जो है रॉक्स पे नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में रॉक्स पे जो है लिखा जाता था तो वर्ड सीधा ही आता. तो दैट्स वाई इन दी अर्ली टाइम्स व्हेन द स्क्रिप्ट स्टार्टेड टू डेवलप इस तरीके से हमें देखने को मिला था. तो यहाँ पर जो है मानसेड़ा शहबाजगढ़ी और कांदहार में हमें क्या मिल रहा है, खारोष्टी स्क्रिप्ट में देखने को मिल रहा है अशोकन एडिक्ट. ये रहा कलसी, कलसी जो है उत्तराखंड में देहरादून से थोड़े से दूरी पे है. ओके तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. कलसी के बारे में आप क्या बता सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. यहाँ पर सारे एडिक्ट्स आपको मिलेंगे एक साथ, इट इज परहैप्स दी ओनली प्लेस जहां पर आपको सारे एडिक्ट्स एक साथ मिलेंगे कलसी में. ओके उसके बाद आप देखिए गिरनार में, यहाँ पर सुदर्शन लेक की बात की जा रही है, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल. ओके फिर यहाँ पर आपका सोपारा, सोपारा कहाँ पर है, किसी एरिया के पास में क्या सोपारा, ये हाँ सोपारा आपका मुंबई जो है आपका बॉम्बे जिसको कहते हैं उसके पास, ठीक है. देन सन्नती, ऑलराइट सन्नती जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर है. उसके बाद आपको येरागुड़ी और इसके पास में एरागुड़ी, और ये क्या एक ही है क्या, येरागुड़ी एरागुड़ी एक ही है क्या, येरागुड़ी और एरागुड़ी एक ही है क्या, नहीं अलग अलग है, प्लीज रिमेम्बर दिस. सन्नती जो है ये अलग अलग है, ठीक है. ऑल राइट ठीक है. और हमारे पास क्या है, अगर आप देखिएगा ये अमरावती में पिलर एडिक्ट है, क्या है अमरावती में पिलर एडिक्ट है. तो अमरावती में बुद्धिज्म से रिलेटेड चीजें अगर आपको याद होगा तो हमने क्या पढ़ा था, धन्य कटका 2023 प्रीलिम्स में आया था, और यहाँ पर सातवाहनास के इस समय से, ओके सातवाहनास के समय से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है अमरावती स्तूपा भी हो गया है, ठीक है. राइट तो सन्नति जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो सन्नति जो है ये किसके पास है, कालबुर्गी के पास है. कालबुर्गी जो है ओके ये इसके पास एक और चीज क्या है, कन गन हल्ली याद है, तो कन गन हल्ली जो है आपके सन्नती के साइट के आस पास ही जो है ये आपको मिल रहा है, ठीक है. ओके और ये जो है आपका सन्नती और कन गन हल्ली एक साथ है, ये किसके बैंक्स पे है, भीमा रिवर के. सन्नती और कन गन हल्ली भीमा रिवर के बैंक्स पे है, ठीक है. और ये जो है अशोकन एडिक्ट, एक इम्पॉर्टेंट अशोकन एडिक्ट साइट है, ठीक है. और यहाँ पर कनगना हल्ली जो है वहां पर क्या चीज है, यहाँ कनगना हल्ली में राण्यो अशोका, ओके विच इज द ओनली सर्वाइविंग इमेज ऑफ अशोका. ओके विच इज द ओनली सर्वाइविंग इमेज ऑफ अशोका यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है. इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है.
ऑलराइट, ठीक है। अब यहां पर देखिए, धौली, धौली किधर है? धौली इज लोकेटेड इन ओडिशा। ओके, धौली और उसके आसपास क्या है? जोगाड़ा। धौली और जोगाड़ा जो है आपका ओडिशा में लोकेटेड है, ठीक है? ऑलराइट, उसके बाद हम ऊपर आते हैं तो यहां पर आपको देखिए पिलर एडिक्ट्स। पिलर एडिक्ट्स में क्या मिल रहा है? कौशाम्बी है, लौरिया नंदनगढ़ है, लुम्बिनी है। तो यहां पर जो है इसको हम क्या कहेंगे? रुमिनदई। व्हाट वी विल से? रुमिनदई। यहाँ रामपुरवा है, बुल, अगर आपको याद होगा, लौरिया, अराराज, मेरठ और दिल्ली टोपरा। ये सारा आपका क्या है? नॉर्थ में अगर आप देखिएगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पिलर्स इज हाई इन द नॉर्थ, और साउथ में हमें पिलर्स में अमरावती देखने को मिल रहा है, ठीक है? बाकी जगह हमें एडिक्ट्स है। शहबाज गढ़ी में एक पिलर आपको मिल रहा है, ठीक है? अब हम बात करते हैं अशोकन रॉक एडिक्ट्स के बारे में और उनके लोकेशंस के बारे में। तो साइट में देखते हैं मानसेढ़ा। ओके, मानसेढ़ा में हमारे पास कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, और ये जो है अशोका धम्मा प्रोपागेशन इफेक्ट के बारे में बताता है नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में। तो कौन से स्क्रिप्ट में आपको ये मिल सकता है? ये खारोष्टी स्क्रिप्ट में नेचुरली लिखा गया है। तो मानसेढ़ा जो है, ओके, मानसेढ़ा जो है, क्योंकि उस एरिया में आपको ग्रीक्स का, ओके, ग्रीक्स का जो है वहां पर ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगा, ठीक है? और गांधार कल्चर जो है उसका इन्फ्लुएंस मिलेगा, तो खारोष्टी जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है? ऑलराइट, और खारोष्टी स्क्रिप्ट जो है उसको भी आपके जेम्स प्रिंसेप साहब ने ट्रांसलेट कराया, ठीक है? ऑलराइट, शहबाज गढ़ी जो है, अगेन शहबाज गढ़ी जो है हमारे पास, ये कहाँ से आता है? ये आता है हमारे पास खैबर पख्तूनवाद, पाकिस्तान से आता है, ठीक है? कहाँ से आता है? पाकिस्तान से आता है, ठीक है? और ये भी जो है अशोका का कमिटमेंट बताता है नॉन वायलेंस के तरफ। ये हमें क्या बताता है? ये अशोका का कमिटमेंट बताता है नॉन वायलेंस के तरफ। और ये जो है आपको स्वात वैली जो है उसके पास है, दिस इज लोकेटेड नियर द स्वात वैली, ठीक है? और खारोष्टी स्क्रिप्ट में ये भी है फ्रेंड्स। और ये तक्षशिला के आसपास है। तक्षशिला से कोई आया था क्या? तक्षशिला जो गांधार था, गांधार महाजनपद, वहां से कोई आया था क्या? चाणक्य, चाणक्य पढ़ाते थे, ठीक कौटिल्य। अब बात करते हैं कलसी का। कलसी आपके कहाँ पर है? देहरादून के पास है, और इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अशोकन एडिक्ट्स ऑफरिंग वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, सारे रॉक एडिक्ट्स प्रेजेंट है, 1 to 14। ओके, 1 to 14 रॉक एडिक्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है? और 14th रॉक एडिक्ट जो है वो क्या बताता है? पर्पस बताता है कि बाकी के रॉक एडिक्ट्स का पर्पस क्या है, क्यों डाला गया है उसको, ठीक है? गिरनार जो है ये आपका जूनागढ़ के पास है, और ये अशोका का एथिकल कॉन्डक्ट वगैरह बताता है। ये आपका सुदर्शन लेक, विच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लेक, उसके बारे में बताता है। बाद में साका किंग आए थे, रुद्रदमन, उन्होंने जो है इस पे बताया था कि हमने इसको जो है रिपेयर कराया। धौली कहाँ पर है? दाया रिवर बैंक, भुवनेश्वर उड़ीसा के पास में। यहाँ पर भी आपको सारे रॉक एडिक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जोगाड़ा कहाँ पर है? गंजम डिस्ट्रिक्ट, चिलिका लेक के पास में, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेम्बर दिस। ओके, इट प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू अशोका सोशल रिफॉर्म्स। सन्नति, तो सन्नति जो है कनगली और सन्नति आपको भीमा रिवर के पास। भीमा रिवर किसका? भीमा, कोयना, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज है? भीमा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरीज है? कृष्णा की ट्रिब्यूटरी। वेरी गुड, ओके ओके। सोपारा आपको मुंबई के पास मिलेगा, ओके। देन येरागुड़ी कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में है, और एरागुड़ी इट इज अ सेपरेट एडिक्ट, ये भी कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? ऑलराइट, पिलर साइट्स की बात करते हैं
लौरिया नंदनगढ़ ये आपको मेजर पिलर है। और लौरिया नंदनगढ़ में कौन सा एनिमल है बिहार में प्रेजेंट होते है? कौन सा एनिमल है लौरिया नंदनगढ़ में? एलिफेंट। ओके, इसके कैपिटल पे एलिफेंट मिलेगा। रामपुरवा जो है वहां पर क्यों मिलेगा? बुल मिलेगा। ये भी बिहार में है, इट्स अ माइनर पिलर। सारनाथ में मेजर पिलर मिला है, यहाँ पर आपको लायन कैपिटल है। देन सांची, अगेन सांची में आपको यहाँ पर मेजर पिलर मिला है। तक्षशिला में भी आपको माइनर पिलर है। टोपरा, अगेन माइनर पिलर, हरियाणा के पास में है। मीरपुर खास, अगेन माइनर पिलर। नागार्जुना कोंडा, अगेन इट इज अ माइनर पिलर। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जो है रानियो अशोका, विच इज ओनली वन ऑफ द ओनली सर्वाइविंग इमेजेस ऑफ अशोका, ये आपको कहाँ पर है? गनाहल्ली में आपको मिलेगा। और कौन से एडिक्ट में? ओके, कौन से एडिक्ट में इसको देवनम पियदासी कहा गया? ओके, कौन से एडिक्ट में अशोका को देवनम पियदासी कहा गया? कहीं पर लिखा गया है क्या? मस्की में किए लिखा गया, एक्सीलेंट पारुल। मस्की में, ओके, वेयर इज मस्की लोकेटेड? मस्की रॉक एडिक्ट जो है वो कहाँ पर है? कर्नाटका में। ओके, तो मस्की में जो है इनको, ये मस्की रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ तुंगभद्रा, तुंगभद्रा का ट्रिब्यूटरी है। और वहां पर जो है इसको क्या लिखा गया है, इनको नाम से नहीं बुलाया गया, अशोक के नाम से नहीं, देवनम पियादासी, दैट इज बिलवड ऑफ द गॉड्स। तो ये है आपका अशोकन एडिक्ट। ओके, ठीक है, ऑलराइट। तो ये आई होप सबको याद हो गया होगा, भूलिएगा नहीं। कलसी, और कभी कभार यूपीएससी कंफ्यूज कर देती है, कलसी जोगाड़ा ये सब लगता है कि ओके मिक्स हो जाएगा। कलसी नॉर्थ में है याद रखिएगा, जोगाड़ा उड़ीसा में है, सन्नती कनगल्ली आपका साउथ में है। ओके, और आपका जो है यहाँ पर जो है अगर आप देखिएगा मस्की, ये भी आपको साउथ में मिलेगा। ठीक है, मस्की इज लोकेटेड इन दी साउथ। ओके, अगेन ऑल राइट, मस्की रिवर पे है, तुंगभद्रा के आसपास। ठीक है, तो ये चीज है, इसको रिवाइज करते रहिएगा एज मच मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, दिस हैज बीन आस्क्ड बिफोर एज वेल। ओके।